जय गुरु जी, राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और ये है परसों का क्लिप, यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। तो घर धो लिया है मैंने पूरा, धोने के बाद यहाँ लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है अब तो बस पानी डालो और यूँ ही सूख जाता है पानी। गर्मी इतनी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और ये संडे का है, हाँ ये संडे का क्लिप है। तो यहाँ पे नीचे से अच्छे से मतलब पोछा लगा ले रही हूँ मैं सारा, अंदर से बाहर, अंदर कम धोती हूँ, मतलब अंदर ना ड्रेसिंग टेबल और बेड वगैरह के नीचे पानी चला जाता है, फिर मच्छर हो जाते हैं। अंदर से ज़्यादा नहीं धोती, अंदर वाला बाहर से सारा धो देती हूँ। अंदर से मैं पोछा अच्छे से लगा लाती हूँ। और यहाँ पे फिर काम वाम करने के बाद नहा ली थी, पोछा वगैरह लगाने के बाद, नहाने के बाद मम्मी कर रही थी अपनी पूजा वगैरह। और यहाँ पे मैं अपना ये धनिया लाए थे तो वो धनिया वगैरह साफ़ कर रही थी। और ये धनिया ना बड़ा बड़ा, मतलब पका धनिया ज़्यादा टाइम का हो गया, मतलब लंबा लंबा नहीं हो जाता, मोटी मोटी डंडियाँ हो जाती हैं धनिया की, तो इसलिए मैं पत्तियाँ तोड़ तोड़ के रख रही हूँ, क्योंकि ये उनकी डंडी ना बहुत ज़्यादा मोटी है, इनको सब्ज़ी में भी नहीं डाल सकते। आप देख रहे हो ना, बहुत बड़ी बड़ी भी, जैसे थोड़ा पकने लगता है ना धनिया, उस ग्रोथ पे आ जाता है, तो वैसा धनिया है ये, इसलिए मैं इनकी सिर्फ पत्तियाँ तोड़ रही हूँ। जो कच्ची कच्ची, अगर कच्चा कच्चा ताज़ा ताज़ा होता है ना कच्चा कच्चा धनिया, छोटा छोटा धनिया, वो धनिया तो सही रहता है, उसकी तो उसकी जो डंडियाँ होती हैं वो तो डाल लो, उससे तो फिर बहुत अच्छी होती है, उसमें विटामिन होता है। लेकिन ये डंडियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हैं तो इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो यहाँ मैंने सारी पत्तियाँ ना अपनी एक एक कर थोड़ी थोड़ी पत्तियाँ निकाल, सारा साफ़ कर लूँगी धनिया, थोड़ा सा चटनी बनाऊँगी और थोड़ा सा रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने आलू उबाल दिए थे जब तक मैं धनिया वगैरह साफ़ कर रही थी अपना। और यहाँ मैंने ये धनिया ना धो लिया है, धो के रख लिया, आलू भी छील लिया ये मैंने। और यहाँ टमाटर ले लिया, यहाँ नारियल चटनी में उसकी धनिया की और उसकी, और टमाटर थोड़ा सा इसमें दाग लग हुआ था ये, क्योंकि टमाटर ना ये ही लाए थे। और यहाँ मैंने तीन हरी मिर्ची डाल ली है बड़ी वाली, काट ली हरी मिर्च, और इसमें डाल लेंगे धनिया, हींग, जीरा और दही वगैरह डाल के। दही मेरे पास ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा ये देखा मैंने था, थोड़ा सा एक ही चम्मच दही निकला था मेरा, तो फिर कोई नहीं, मैंने कहा एक ही चम्मच डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया धनिया, और अब डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा, ये देखो थोड़ा सा निकला, फिर इसमें से मैंने निकाला फिर थोड़ा सा, और ये एक ही चम्मच मुश्किल से निकला। दही डाल के चटनी बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया हींग और डाल दूँगी ज़ीरा, तो बस। और यहाँ पे ना मैंने वो डाली है, देखो ये बूंदी, ये बूंदी में ना वैसे काफ़ी दिन की रखी हुई है, हल्की सी महक सी हो गई थी, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा टेस्ट अच्छा नहीं आया। मतलब अगर आप वो मोटी वाली सेव वाली नमकीन डालोगे ना, वो डाल के बनाओगे तो और टेस्टी बनती है। मैंने पहले बनाई थी ये वाली चटनी, इतनी खास नहीं बनी थी, वरना एक बार मैंने पहले बनाई थी तो वो बहुत अच्छी बनी थी। तो बस पीसने के बाद मैंने टिफ़िन में निकाल दी चटनी एक। और यहाँ पे मैंने पिट्ठी आलू की बना ली है, आटा लगा लिया है, तो अब आप समझ गए होंगे मैं बनाने क्या बना, मतलब क्या बनाने वाली हूँ। मैं बना रही हूँ कचौरियाँ, क्योंकि नानी जी का मन कर रहा था कचौरी खाने का, तो इसलिए कचौरी बना रही हूँ। और यहाँ मेरा तेल गर्म हो रहा है, वो दूसरे फ्राई पैन में छोटे वाले में कृष्णा का दूध गर्म हो रहा है। सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ते में मतलब सुबह सुबह ही मैंने कचौरियाँ बना ली थी, आलू उबालने रख लिए थे, मतलब 11-12 बज गए थे बनाते बनाते, 11-11:30 बज गए थे, टाइम लग जाता है ना। और लेट रखी थी फिर मैंने बनाने, मतलब लेट लगी थी बनाने के लिए खाना, तो इसलिए, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था क्या बनेगा। फिर मम्मी कह रही कचौरी बना लो, तो कचौरी, फिर मैंने कचौरी बनाई थी आलू की, आलू वाले, फिर गर्मी इतनी, आलू भी धीरे धीरे ठंडे हुए, फिर धीरे धीरे चटनी वटनी बनाई, तो इसलिए टाइम लग गया। तो यहाँ पे मैंने कचौरी अपनी भर भर के सेकती जा रही हूँ, और यहाँ मेरी कचौरी अच्छे से फूल भी गई हैं। ज़्यादातर मेरी कचौरी फूल जाती है, लेकिन हाँ कभी कभी जैसे ज़्यादा पिट्ठी भर दो तो फट भी जाती है कोई कोई कचौरी, लेकिन कोशिश करती हूँ ज़्यादा तो फूल है, फट जाती है तो फिर सारा तेल वो हो जाता ख़राब। एक आधी फट भी गई थी मेरी, पर ठीक है, फूल मतलब सही बनी थी ज़्यादातर। तो यहाँ फटाफट से अपने नाश्ते में कचौरियाँ बनाई आज मैंने, तो यहाँ फटाफट बना लेते हैं चलिए कचौरी, फिर उसके बाद खाएंगे हम खाना, क्योंकि भूख भी लग रही थी, टाइम हो रहा था भूख का, और 2 दिन से मेरा व्लॉग भी नहीं जा रहा था, उसके लिए सॉरी। तो बस चलिए सेक लेती हूँ मैं अपनी सारी कचौरियाँ पहले।
यहाँ पे देखो मेरी कचौरियाँ सीख गई है, और नानी जी को भी दे दी, अब मम्मी को भी दे दी, और ये मैंने अपने लिए चटनी और चाय कचौरी। तो आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, खा लीजिए। यहाँ पे मम्मी भी खा रही है नाश्ता, और उन्नति दूध पी रही है, और देवी का भी लेटी हुई है वो भी दूध पी रही है। और यहाँ पे ये है शाम की चाय, आपको अभी दोबारा चाय, तो ये है शाम को चाय बनाई थी 4:30 बजे करीब। तो यहाँ पे मेरी चाय उबल रही है, उबाल आ गया, इसको पका लेंगे थोड़ी देर। और ये है रात का, शाम को, क्योंकि आप मैंने दिखाया था कि कचौरी बनाई थी मैंने दिन में, तो कचौरी खाई थी तो वो हैवी हो गई थी, तो इसलिए ना यहाँ पे मैंने बनाए थे वो सोयाबीन के चावल, सोयाबीन की बड़ी है ना वो वाले चावल बनाए थे। ये देखो आलू ख़त्म हो गए थे, आलू नहीं डाले इसलिए मैंने खाली सोयाबीन वाले चावल बनाए। तो इन्हें अच्छे से मसाले में फ्राई करके इसमें डाल लेंगे अपना पानी। अपने उसे थोड़े ही बनाए मैंने चावल, क्योंकि ये तो बाहर वहाँ पे गए हैं अपने बॉस के साथ गए हैं शादी में, तो ये खाना वाना वहीं खा के आएंगे, तो यहाँ पे मैंने इसलिए थोड़े ही बनाए हम तीनों के लाइक। तो बस फटाफट से यहाँ पे मैंने पानी डाल के रख दिया, बन जाएंगे। और ये है कल का क्लिप, कल मंडे था तो कल का है। कल मैं गई थी अपने घर नांगलोई मतलब, तो यहाँ पे उन्नति को ये उड़ा रहे हैं, उन्नति के बाल ना कटिंग कराने गए थे, तो उन्नति ने मशीन से ना बाल मतलब हिला लिए, उसके बाल मतलब बेकार हो गए, फिनिशिंग मशीन से ख़राब हो गई थी, तो फिर उसके बाल गंजाई करा दिया उसको। पर गर्मी बहुत थी तो इसलिए चल गया, कोई नहीं करा दिया हमने, उनका आप बाल तो आ ही जाएंगे, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पे ना हम आ गए हैं हॉस्पिटल में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मम्मी के मोतियाबिंद हो रहे हैं, तो उनकी आँखों का इलाज वगैरह चल रहा है, मतलब अभी उनकी रिपोर्ट वगैरह चेक कराने आए हैं ताकि डॉक्टर बताए कि कब ऑपरेशन होगा। तो बट डॉक्टर ने बताया अभी खून की कमी है मम्मी के अंदर, इसलिए तो अभी दवाइयाँ दे दिए 15 दिन के लिए, बोला है 15 दिन बाद फिर आना, अभी खून थोड़ा खाना पीना खाना है, दवाइयाँ खानी है तब उससे। तो यहाँ पे ये देखो शीतल, मैं घर आ गई थी, इन्होंने ना मेरे को घर छोड़ दिया था, मेरे को शीतल को, तो ये मम्मी के साथ वहीं पे थे क्योंकि हम कुछ काम रह रहा था। तो यहाँ पे ये आ गए हैं, 2:45 का टाइम हो रहा है, गर्मी बहुत हो रही है, तो यहाँ पे ये वही बात कर रहे हैं, शीतल खाना बना रही है, खाना उन्होंने रोटी और उसकी सब्ज़ी बनाई थी, कहते हैं बड़ी अरबी की सब्ज़ी। तो यहाँ उन्नति देखो यहाँ पे झूल रही है उन्नति की, मैंने टी शर्ट उतार दिया क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मम्मी भी आ गई है, देखो हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं ये दोनों, मम्मी और ये, तो ये इनको ये देखो ये दवाइयाँ हैं, ये मैं इनसे बोल रही थी, ये नानी जी की भी दवाई ऐसी हैं सेम एकदम तीनों चारों, बस 2 टैबलेट अलग हैं, बाकी सेम है सारी दवाई। तो यहाँ पे वही दवाइयाँ दी हैं मम्मी को, अब मम्मी दवाई खाएंगी, उसके बाद 15 दिन बाद जाएंगे। उसी तरह भुट्टे भी उबाले थे, और अभी शाम को मैं निकल रही हूँ घर के लिए, और दोपहर में मैं कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी, इसलिए शाम को बनाया जब मैं घर निकल रही थी। पैसे की माया से मोह माया से दूर है सोनी। मोह माया से दूर है, अभी पता नहीं है, हैं? अरे इधर हाँ, वो बाइक लेके आ गए मुझे, चलो आओ मेरी माता। अंधेरा अंधेरा सो हो गया, देख भाभी को कैसे बैठी, कूलर के आगे सेट आने की जैसे हॉल उसी का ही तो है। अरे आ जा, देख हमें फूल की जरूरत होती है, हमारे यहाँ फूल नहीं है। क्या कह रही है? नीली टोपी वाले, ओ जल्दी जा रहे हैं, चलो बोतल ला दे, ये शीतल ले ले जा, दे दे भैया का है, चलो बाय बाय। जाओ, संग चलो, वो सबको लेके जाएगी बहन।
बाय।